हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजियो फॉर यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएमटी फॉर पीआईपी एंड डीआईपी फ्लेक्शन। इन दोनों ज्वाइंट्स पे ज्वाइंट के फ्लेक्शन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। रेंज ऑफ मोशन, पीआईपी ज्वाइंट जो होता है उसका रेंज ऑफ मोशन 0 to 100 degree होता है एंड डीआईपी ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन 0 to 90 degree होता है। पहले हम पी आई पी ज्वाइंट के लिए एमएमटी देखेंगे, तो हम ग्रेड 3 से स्टार्ट करेंगे। फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी नो रेजिस्टेंस, इसके लिए हम जो पेशेंट का हाथ रहेगा उसको सुपिनेशन में रखेंगे, रिस्ट जो होगा वो न्यूट्रल पोजीशन में होगा, फिंगर जो हमें टेस्ट करनी है उसको हम स्लाइट फ्लेक्शन में रखेंगे और जो अदर फिंगर्स हैं उनको सारे ज्वाइंट्स पे हम एक्सटेंशन में रखेंगे और सारी फिंगर्स को हम अलग अलग टेस्ट करेंगे। हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि उसको उसका जो पीआईपी ज्वाइंट है उसको फ्लेक्स करना है, ना कि डीआईपी ज्वाइंट को। बेंड करो, वेरी गुड। तो ये हमने देखा ग्रेड 3। अब हम देखेंगे ग्रेड 4। ग्रेड 4 एंड 5 हम साथ में देखेंगे। फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी, मिनिमल रेजिस्टेंस फॉर ग्रेड 4 एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर ग्रेड 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम होगी, सिर्फ जो हेड रहेगा फिंगर का डिस्टल एंड रहेगा, सिर्फ इस पे हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। अगर हम ग्रेड 4 टेस्ट कर रहे हैं तो हम मिनिमल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे बेंड बेंड। अगर हम ग्रेड 5 टेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे बेंड, वेरी गुड। ग्रेड 2 फुल आरओएम ग्रेविटी एलिमिनेटेड नो रेजिस्टेंस, इसके लिए हम जो पेशेंट का फोरआर्म रहेगा उसको हम मिड पोजीशन में रखेंगे एंड जिस फिंगर को हमें टेस्ट करना है उसको हम स्लाइट फ्लेक्शन में रखेंगे, अदर फिंगर्स को हम एक्सटेंशन में रखेंगे एंड हम पेशेंट को पेशेंट को बोलेंगे कि उसे उसकी फिंगर को बेंड करना है, बेंड, वेरी गुड। ग्रेड 1 के लिए हम टेंडन को पालपेट करेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, इसके टेंडन को हम पालपेट करेंगे पालमारिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कालपारी कार्पी अल्नारिस के टेंडन के बीच में यहाँ पे। अब हम एमएमटी देखेंगे डीआईपी ज्वाइंट के लिए, हम ग्रेड 3 से स्टार्ट करेंगे। फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी नो रेजिस्टेंस, इसके लिए हम जो फोरआर्म रहेगा उसको सुपिनेशन में रखेंगे, रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे एंड जो हमारा प्रॉक्सिमल पीआईपी ज्वाइंट है उसको हम एक्सटेंशन में रखेंगे एंड हम जो मिडिल फेलिंग्स हैं उसको हम स्टेबलाइज करेंगे ग्रैप्स करके एंड हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि उसको उसका जो डिस्टल फेलिंग्स है उसको बेंड करना है, बेंड। ये देखा हमने ग्रेड 3। अब हम देखेंगे ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी, रेजिस्टेंस मिनिमल रहेगा ग्रेड 4 में एंड मैक्सिमम रहेगा ग्रेड 5 में। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम होगी, उसी तरीके से हम मिडिल फेलिंग्स को स्टेबलाइज करेंगे लेकिन हम फिंगर के टिप पे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, बेंड, वेरी गुड। अब हम देखेंगे ग्रेड 2। फुल आरओएम ग्रेविटी एलिमिनेटेड नो रेजिस्टेंस, इसके लिए हम फोरआर्म को जो है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में रखेंगे एंड सिमिलरली हम मिडिल फेलिंग्स को स्टेबलाइज करेंगे एंड हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसको उसका जो फिंगर का टिप है उसको बेंड करना है, बेंड, वेरी गुड। अब हम देखेंगे ग्रेड 1। ग्रेड 1 के लिए जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसके हम टेंडल को पालपेट करेंगे, जो मिडिल फेलिंग्स है उस पर हर फिंगर के मिडिल फेलिंग्स पे हम टेंडन को पालपेट करेंगे। We'll be right back.